ये प्रज्ञा कहाँ गई? अच्छा है नहीं है, तब तक मैं सोच लेता हूँ कि इसे हाँ कैसे बोलना है जाने के लिए। उसे लगना नहीं चाहिए कि मैं आसानी से मान गया। क्या हुआ? अब मेरी तरह लिपस्टिक नहीं लगानी? मैं अपनी दे दूँ अगर आपके पास नहीं है तो। क्या तुम्हारी तरह? हाँ, मैं देखना चाह रहा था कि तुम ऐसा क्या करती हो जिस करने से मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ। मतलब ये कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं भी तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। क्या किया मैंने? धोखा दिया है मुझे तुमने। धोखे से मेरा सब कुछ ले लिया ना, अब मैं भी धोखे से लूंगा। क्या? पैसे 5 लाख। 5 लाख रुपए लूंगा मैं। आपको वाकई लगता है आप मुझसे 5 लाख रुपए ले लेंगे? लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं तुमसे 5 लाख लूंगा। अच्छा, अगर इतना यकीन है तो ये भी बताइए कैसे। वो पता नहीं, लूंगा जरूर। क्यों खुद को बहला रहे? देखिए आप भी जानते हैं आपसे नहीं होगा। देखो मुझे चैलेंज मत करो, जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना तो मैं वही काम डबल स्पीड से करता हूँ, कहीं मैं तुमसे डबल पैसे ना ले लूं। और मैं आपको साफ मना कर दूं तो मैं डाका डालूंगा, डाका डाल के सब कुछ लूट लूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ डिनर पे भी नहीं जाऊंगा। और समझ लो अगर ये सब मैंने कर लिया ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं देती हूँ। ये तो बहुत भारी है। Excuse me. क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अरे जल्दी इसलिए है ताकि उन्हें वेट ना कराना पड़े, कहीं हमें लेट नहीं होगा। तुम्हें अपनी क्लाइंट की फिक्र है फिर अपने पैसों की, क्योंकि अगर डील कैंसिल हो गई तो तुम मुझसे पैसे कैसे कमाओगे? इस बार मैं पैसों के बारे में नहीं सोच रही। पैसे कमाने के मौके तो बार बार मिल जाएंगे, लेकिन इस बार मैं आपके सपने को पूरा होते हुए देखना चाहती। आप हमेशा से चाहते थे ना कि आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करे, और देखिए कितना अच्छा मौका मिल गया। अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। आपका सपना मेरा सपना भी तो है। क्या? कुछ नहीं। मैंने सुना तुमने क्या कहा। सुना तो फिर पूछा क्यों? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे सपनों की फिक्र कब से होने लगी? जब से आप मुझे। चुप क्यों हो गई? बोलो ना। जब से तुम मुझे अपना गुलाम बनाकर मुझसे पैसे कमाने लग गई है? आपको ऐसा लगता है? हाँ? जो सोचना है सोचिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो होगी ना, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से इंटरनेशनल करेंसी जो मिलेगी। ये मुगैम्बो पैसों के अलावा तो कुछ सोचती नहीं है। इन्हें भी ना मेरी खामियां ही नजर आती है, मेरा प्यार तो कभी नजर नहीं आता। और सुनिए, डिनर पे जाने से पहले मुझे मंदिर जाना। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने? आपके साथ जाना चाहती हूँ। मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें पता है मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता ना। लेकिन मैंने तो सुना था अपनी फूफी के लिए आप मस्जिद तक चले गए थे। देखो, तुम्हारे सवाल में ही मेरा जवाब है। मैं अपनी फूफी के लिए गया था, लेकिन फायदा क्या हुआ? गया था फूफी के लिए, आने के बाद मिला मुझे मुगैम्बो। वही तो, एक बार गए थे तो फुगी की शक्ल वाली मिल गई, इस बार क्या पता फुगी वापस मिल जाए। शायद ऐसा हो भी जाए, क्योंकि इस मुगैम्बो ने पहले भी मेरे लिए अच्छे काम किए, तो क्या पता ये काम भी इसी के हाथों हो जाए। और वैसे भी मैं इसे आज धोखे से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो एक बुरा काम करने से पहले एक अच्छा काम कर ही लेना चाहिए। चले, अब मंदिर चलेंगे मेरे साथ? अब चलो, और मंदिर के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। ओके ओके, चलिए। पंडित जी। बेटा तुम बहुत ही भाग्यवान हो, ऐसा पति बड़ी किस्मत वाले को मिलता है। हम देख रहे थे कि जब आप माता रानी को ध्यान से भक्ति कर रही थी, उस समय ये सिर्फ आपको ही देख रहे थे बड़े ध्यान से। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें इनके भगवान आप में दिख रहे हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखें, इस जन्म ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक साथ रखें। जय माता दी।